20 करोड़ों की लागत से बनेगा तमसा रिवर फ्रंट। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले पे है, जहां तमसा नदी किनारे तमसा रिवर फ्रंट बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही थी। आज मऊ के लोगों की यह मांग नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने पूरा कर दिया है। तमसा नदी किनारे स्थित ढगलिया घाट गाय घाट के किनारे 20 करोड़ की लागत से तमसा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास और भूमि पूजन नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने किया। इस अवसर पर नगर क्षेत्र के सैकड़ों लोग पहुंचकर मऊ के विकास को आगे बढ़ते हुए देखने के साक्षी बने और हर हर महादेव के जयकारे के साथ नगर विकास मंत्री के ए के शर्मा के साथ भूमि पूजन के भागीदार बने। जो भी सामग्री है उसमें थोड़ा सा भैया हरि ओम अनुदाह गत भोजंतु विशतो दधासो अपरिताश उद्विदः देवानो यथा सदमित विधे असन्नकायवो रचितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमती जूयतां देवानां शङ्खम् उपशेति मा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मेत्रमदितिं लक्ष्यमैस्तुधम हर्यमणं वरुणङ्गुं सोम अश्विना सरस्वती नुभग मयशकर्ता तन्नो वा तोमयो भिवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तथिता देव तत्ग्रामा सोमसुत मयो भुवादशिना श्रुतं दिष्णे ॐ चन्दनस्य महत्व जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगे पार्वती पिता महादेवा एक दंत दया भंत चार भुजा धारी माता सिंदूर जो तमसा नदी है उनके दोनों तट पे आप देख सकते हैं वर्तमान में कितनी गंदगी है, कितना सब अव्यवस्थित है। बरसों से लगता है यहाँ सफाई नहीं हुई है, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष। आप सामने देख सकते हैं कितना गंदा है, उसी तरह का दृश्य कम बेस इधर भी है। उसको साफ करते हुए नवीन पक्के घाटों का निर्माण, रिवर फ्रंट का निर्माण और उसके ऊपर पर्यटकों के लिए, आने जाने वालों के लिए बैठने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, कैफेटेरिया के रूप में जो स्नानार्थी आएंगे यहाँ उनके लिए कपड़े बदलने के रूम, इन सारी बातों को के विकास की मंशा मेरे मन में बहुत दिनों से थी, वो आज पूरी होती हुई भगवान महादेव की कृपा से होती दिख रही है। कुछ संस्थाएँ हैं जिन्होंने इस पूरे काम का बीड़ा उठाने का हमको वचन दिया है और उन्होंने ऑलरेडी काम, आप देख सकते हैं खुदाई का काम शुरू हो चुका है, कार्य शुरू भी हो गया है। घाट के साथ साथ मंदिर व्यवस्थापन, मंदिर की जो कमेटी थी उनकी इच्छा हुई कि थोड़े मंदिर के अंदर भी थोड़े काम कर दिए जाएं, तो वो भी काम हमारी उन संस्थाओं ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितनी की लागत, कितनी लागत? लगभग 20 करोड़ रुपए का अभी तक का अनुमान है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्चा आएगा, बाकी तो महादेव की इच्छा और उनकी कृपा से ही सब कुछ होना है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग इसकी व्यवस्था करते जाएंगे। एक बड़ी मूर्ति, वही मैं बता रहा था कि मंदिर व्यवस्थापन के साथ बातचीत करने के बाद ये बात निकली कि वर्तमान में जो ढांचा है जो आप देख रहे हैं थोड़ा कमज़ोर है और पता नहीं उसका क्या भविष्य होगा, उसकी जगह एक और भी उससे भी भव्य मूर्ति लगाने का विचार और उसी के चलते खुदाई हो रही है, वहीं पर लगेगी। वो भी जब वो कार्य होगा तो शायद 20 करोड़ से भी ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ जाएगा। जैसी मूर्ति मंदिर वाले लगवाना चाहेंगे, जैसी भगवान महादेव की इच्छा होगी, जैसे स्वरूप में वो आना चाहेंगे वैसे स्वरूप में आएंगे। साफ सफाई का भी उसी समय वास्तव में निर्धारित होगी। साफ सफाई काफी समय से हुई आपने कहा अभी। जी साफ सफाई तो होगी ही, पूरा ये जो आप देख रहे हैं इसका दृश्य बदल करके नवीन घाट, नया रिवर फ्रंट और लाइटिंग के साथ पूरी आकर्षक व्यवस्थाओं के साथ बैठने के बेंच और सारी अद्यतन आधुनिक सुविधाओं के साथ ये पूरा रिवर फ्रंट बनेगा, जो मऊ का ही नहीं शायद पूरे पूर्वांचल के लिए एक पर्यटन का केंद्र बनेगा।